नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर मेडिकल कॉलेज चंबा में कांगड़ा जिले की एक छात्रा द्वारा MBBS में दाखिला लेने का मामला सामने आया है। गड़बड़ी का खुलासा होने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दाखिला रद्द कर पुलिस को शिकायत दे दी है। गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब प्रशिक्षकों का डाटा नेशनल मेडिकल काउंसिल की साइट पर अपलोड किया गया। छात्रा के नीट के रोल नंबर को अपलोड किया जाने लगा तो उसका मिलान नहीं हुआ। कॉलेज प्रबंधन ने प्रशिक्षु को बुलाकर उससे भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा तो प्रशिक्षु ने नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर MBBS की सीट पर पढ़ाई करने की बात पर स्वीकार कर ली। एक हमारी 120 बैच की एडमिशन होती है, नया बैच था, 120 का बैच। उसमें एक लास्ट स्टेप होता है हमारा अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसमें हमने जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे बच्चों के, तो एक 119 के अपलोड हो गए, एक का अपलोड नहीं हुआ। और एक केस हमें संज्ञान में आया था जो शिमला में था, उसलिए हम थोड़े सतर्क हो गए। फिर हमने उसका सारे रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई किए। उसने एक अपनी जो एडमिशन जिस हमें जो मिलती है पेशेंट, जो बच्चों को अलाटमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी से, एक हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी अमरोही से अलाटमेंट होती है, उसने जो सॉफ्टवेयर जो उसने वहाँ अप्लाई किया है उससे वो कागज़ मंगवाया। उसने उसमें एक नंबर का कॉलम होता है जिसमें जितने नंबर लिए हैं बच्चे ने, उसमें उसने नंबर लिए थे 240, वो तो हमने बाद में कंफर्म किया। और उसने वहाँ एडिट करके 530, नॉर्मली वो नॉन एडिटेबल होता है, उसमें एडिट नहीं कर सकता बच्चा, बट उसने शायद कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया या क्या किससे वो किया, उसने वहाँ से यूनिवर्सिटी से अलाटमेंट करवा ली अपनी सीट चंबा के लिए। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ स्क्रूटनी कमेटी होती है, हम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे 12वीं का डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, वो सब चेक करते हैं, वो सब ठीक थे। उसके बाद जब हम, जैसे मैंने बताया, अब जब हम अपलोड करने लगे तो अपलोड में हमारा वो अपलोड ना हो, उस समय हमें कन्फर्म हो गया कि, फिर हमने उसे बच्ची को बुलाया, पहले तो उसने आनाकानी की और बड़े कंट्राडिक्टरी से जवाब दिए, वो हम समझ गए। फिर उसके बाद हमने जब उसको बोला कि जो तूने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया वो वाला दिखा दो, जो उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था उसी में उसने 240 की जगह 530 नंबर लिखे हुए थे, तो उससे हमें पता लग गया। फिर हमने यूनिवर्सिटी में बात की, वाइस चांसलर सर से बात की, DMA सर को बता दिया, इन्फॉर्मेशन कर दी, और हमने उनसे डायरेक्शंस मांगी यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ने हमें क्लियर बोला कि आप उसका कैंसिल कर दो। परसों ही हमें हमारे पास ये मामला हमारे पास आया और हमने उसकी सीट कैंसिल कर दी, और परसों ही हमने शाम को पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और अगली कार्रवाई के लिए उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस को हमने रात के करीब 12 बजे के करीब रात, उसी दिन रात को, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, सारी नोटिंग लेनी होती है, लाफ्सर वगैरह की मदद ली, और हमने सारा रात को ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, उसके जो रोल नंबर्स थे, जो उसने चेंज करके लगाए थे, जो उसने ओरिजिनल था, वो सारा उनको भेज दिया, और उसके खिलाफ हमने पुलिस में रात को ही मतलब कार्रवाई के लिए बोल दिया परसों रात को। क्या मानते हैं सर, किस तरह ये गलत है? ये मुझे लगता है कि शायद बच्चों को ये लगता है कि ये बड़े आसानी से निकल जाएंगे एक कागज़ को एडिट करके, बट हमारे पास फूल प्रूफ स्कीम्स होती हैं, क्योंकि उनको ये जो लास्ट स्टेप होता है ये जब अपलोड तभी होगा जब उनके पास बिल्कुल ओरिजिनल, उसमें कोई एडिटेबल वाला ऑप्शन नहीं होता। तो अब हमने जब क्योंकि उनको शायद ये पता नहीं था कि अपलोड होने हैं, और अपलोड जब होंगे तो शायद निकल जाएंगे बिना अपलोड, जो हमारी अरणिया की साइट है उस पर, NMC की साइट पर अपलोड नहीं हो सकते अनलेस की बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों, बिल्कुल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो, तो वो कोई भी ऐसा होगा वो अल्टीमेटली इस स्टेज से नहीं बच पाएगा। तो मुझे लगता है उन्होंने शायद कोई उसको एडिट किया, PDF को एडिट किया, या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया, बट ऐसा मामला मेरे ख्याल से शिमला में भी एक आया है, उन्होंने भी थोड़ा शायद दूसरे तरीके से किया, बट इन्होंने शायद एडिट किया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है कि, क्योंकि लास्ट स्टेज हमारा बिल्कुल फुल प्रूफ स्टेज होती है, तो शायद बच्चों को आइडिया नहीं है, वो सोचते हैं कि निकल जाएंगे पर नहीं निकल पाएंगे। अब जो सीट खाली हुई है उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमने लिख दिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो किसी और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको मिल जाएगा।